हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बात कर रही हूँ मेक्सिन फैशन हैबिट से देवांशी, आपकी दोस्त और होस्ट। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है एक मैगजीन रेसिपी लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। अगली मैगजीन रेसिपी जो मैं लेकर आई हूँ वो है ग्री शोभा की, और ग्री शोभा के सेकेंड हाफ की मैगजीन में मैंने आपको बोला भी था कि मैं मैगजीन रेसिपी लेकर आऊँगी, क्योंकि सीरीज़ मैंने बताई थी आपको। तो आज की जो मैगजीन रेसिपी में है वो है ग्रीशोभा की मैगजीन रेसिपी। और सबसे पहला जो आप देख लीजिए, स्नैक्स है ये। हाँ, आप इसे मॉर्निंग टाइम में हाँ ले सकते हो, या फिर इवनिंग टाइम के स्नैक्स में ले सकते हो। तो बहुत ही अच्छे मज़ेदार स्नैक्स आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो अपने घर में, बहुत ही ईजी भी है बनाना। तो चलिए नाम देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। और जो आज की मैगजीन रेसिपी की जो नाम है वो है उत्पम मिक्स पेरी पेरी मिनी इडली। ओके, तो ये है आज की मैगजीन रेसिपी का नेम। और पूरी रेसिपी जानने के लिए फ्रेंड्स पूरा वीडियो ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। तो चलो लेकिन वीडियो दिखाती हूँ, मैग रेसिपी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी ये है मेरे चैनल मैगजीन एंड फैशन हैबिट्स फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूं देवांशी। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन होगा ऐसा, प्लीज़ उस सब्सक्राइबर बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक बेल आइकॉन आएगा, ऐसे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्टिंग मी। तो आइए देख लेते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनानी है आपको, बहुत ही अच्छी और डिलीशियस बनने वाली, बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो इसके आपको इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए होगी उसके देख लेते हैं। सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं। तो आपको आधा कप उत्पम मिक्स आटा चाहिए, जो को मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स। और अगर आप घर में भी बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो ईजी आप बना सकते हैं। जैसे आप इडली के बैटर तैयार करते हैं उड़द की दाल और चावल्स के साथ में और कुछ मेथियों के दानों के साथ में, तो सेम आप बना सकते हो, एकदम वही इंग्रेडिएंट रहेंगे, उसी से हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है एक दही अगले, और थोड़ा सा गुनगुना पानी चाहिए आवश्यकता अनुसार, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर चाहिए आपको, और नमक चाहिए आपके स्वादानुसार टेस्ट के अनुसार। और तड़के के लिए आपको क्या सामान चाहिए, तड़के के लिए आपको एक चम्मच रिफाइंड ऑयल चाहिए, एक शशी इनो चाहिए, छोटा वाला इनो का जो शशी आता है वही लीजिएगा आप, और करी का पत्ता, धनिया की पत्ती महीन काट लीजिएगा, और हींग और जीरा और राई। हींग ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग हींग ले सकते हो, कुछ लोगों को हींग नहीं पसंद होती है तो ये ऑप्शनल है। अब विधि देख लेते हैं कि आपको कैसे बनानी है ये। तो उत्पम मिक्स आटे में आप दही और गुनगुना जो पानी आप लेते हो उसे और नमक डालकर अच्छा सा घोल बना लें। घोल बहुत पतला मत बनाइएगा, पकौड़ा जैसा बनाते हैं उस लायक घोल बनाइएगा। अब इस घोल को आप 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे। अब एक फ्राई पैन ले लीजिएगा, फ्राई पैन में एक तेल गर्म कर लीजिएगा, उसमें आप जीरा राई हींग करी का पत्ता और धनिया की पत्ती का तड़का लगा लीजिएगा। जो तड़का आप तैयार कर रहे हो फिर तड़के को आप उस उत्पम मिक्स आटे में अच्छे से डाल के मिक्स कर लीजिएगा, जैसे आपने रेस्ट करने के लिए रख दिया था उसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप फ्रेंड्स इडली के जो मोल्ड्स आते हैं उस मोल्ड्स को लीजिएगा, उसी मोल्ड में हमें इसे बनाना है, और उसमें हर एक पार्ट में आप अच्छे से तेल लगा लीजिएगा, ग्रीस कर लीजिएगा, तेल लगा के मोल्ड्स को चिकना कर लीजिएगा, जैसे कि जब हमारी उत्पम मिनी इडली बन जाए तो बहुत ही अच्छे से वो निकल के बाहर आ जाए। और अब आप क्या करेंगे कि जो आप मिक्सचर तैयार किए, जो आप डो तैयार किए हो उस मिक्सचर में आप इनो डाल दीजिएगा, एक पैकेट इनो आप लिए हो तो उस इनो को डाल दीजिएगा, और उसे 20 सेकंड तक हल्के हल्के धीमे धीमे चलाइएगा। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इनो डालने के बाद आप प्लीज़ उस बैटर को बिल्कुल भी बहुत देर तक मत छोड़िए। अब आप इस मिश्रण को जिसे आप रेडी कर चुके हो आप मोल्ड्स में, एक एक मोल्ड्स में आप डाल लीजिए अच्छे से, और जब आप मोल्ड्स में अच्छे से पूरा मिश्रण डाल लोगे तो ऊपर से हल्का सा लाल मिर्च पाउडर को आप ऐड करना, हाँ डेकोरेशन के लिए अच्छा लगेगा देखने में फ्रेंड्स, और खाने में भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद से आप इसे भाप पर 7 से 8 मिनट के लिए पका लो। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि आप एक चाकू लेना, नाइफ लेना, और 7 से 8 मिनट बाद आप उसमें एक कट बीच में कट करना। अगर आपका बैटर एक चाकू एकदम क्लीन आता है तो आपका डिश बिल्कुल बन के एकदम रेडी है, एकदम तैयार है, आप इसे एकदम सर्व कर सकते हो। आप इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेना, और मोल्ड से बाहर निकालने के बाद आप इसे चटनी के साथ, धनिया की चटनी के साथ, या फिर नारियल की चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा स्नैक्स है फ्रेंड्स, ये इवनिंग टाइम का स्नैक्स आप कर सकते हो, या मॉर्निंग में आप सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हो उस टाइम का स्नैक्स के रूप में आप इसे बहुत ही अच्छे से
ले सकते हो, अपनी फैमिली को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। हेल्दी है, नुकसान नहीं करेगा, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो आपको कैसे लगा ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा मुझे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ रेड कलर के बटन को प्लीज़ प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। एंड अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्टिंग मी। और कुछ भी आपका कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मैगजीन रेसिपी, ग्रीशोभा मैगजीन रेसिपी थी ये। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।